तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम दोबारा से खेलने वाले हैं ड्यूटेफोर। लास्ट वाले वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि हरीची ने खरीदा था एक बहुत बड़ा सा रूम जिसमें उसने थोड़ी बहुत कार चाकी थी और वो अभी कार से पैसे भी कमा रहा है। आज मैंने जैक वाला कैरेक्टर चूज किया है क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे न्यू ईयर, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि आज है हमारा 31 दिसंबर 2022 और आज के दिन यानी कि आज की रात के बाद हो जाएगा हमारा 2023 यानी कि न्यू ईयर। और भाई, अगर हमारे सिटी में न्यू ईयर हो रहा है तो भाई हम लोग अगर पार्टी ना मनाए तो भाई कैसा रहेगा, बहुत खराब रहेगा। इसलिए भाई आज के सॉलिड में हम लोग न्यू ईयर की पार्टी करने वाले हैं। क्या बात है। तो ठीक है, फोन को फटाफट यहाँ पे रखते हैं और चलो फटाफट चलते हैं केरल के पास। भाई अभी मुझसे उससे न्यू ईयर के बारे में बातें करनी है, मेरे पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं है। बाकी ये देखो, ये हमारी शिवबॉर्गनी खड़ी है और भाई तुम लोग देख रहे हो कि अभी हमारा जो पूरा घर है वो भी पूरा अच्छा नहीं हुआ है, मतलब हमें अपने जो घर है उसको भी भाई पूरा रेनोवेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, अपना जो पुराना वाला पहले वाला घर था ना वही वापस यहाँ पे ले आऊंगा। भाई मेरे पास भाई केरल है तो भाई मैं कोई भी टाइप का जादू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको अपने घर को पूरा डेकोरेट वेकोरेट से कर दूंगा। बाकी चलो फटाफट अपने ये बॉर्गन निकालते हैं और फटाफट अपने दोस्त के पास चलते हैं। भाई पता नहीं उसके यहाँ पे अभी डेकोरेशन हुई होगी कि नहीं होगी। भाई वो इतना बड़ा मिलियनर आदमी है तो भाई शायद से डेकोरेशन हो सकती है वहाँ पे। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, इन लोगों को भी भाई न्यू ईयर के हम लोग पार्टी देने वाले, जो कि जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी करने वाला हूँ। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे और पार्टी करेंगे। बाकी मैं भाई यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यार मैंने अपनी गाड़ी को इतनी जगह ठोक दिया है ना कि भाई इसका जो है ना वो टूटने वाला है। बाकी ठीक है, अबे पागल है क्या, यहाँ से कहाँ निकाल रहा भाई, यहाँ से निकाल रहा है भाई, पता नहीं ये लोग न्यू ईयर में पागल हो चुके हैं। ठीक है, चलो फटाफट किरल से बात करते हैं। और भाई किरल क्या हाल है भाई, तूने शायद डेकोरेशन वेकोरेशन, अबे यार बात तो करने दो, रुको भाई साहब, ये लोग मानेंगे नहीं जब तक मैं इन लोगों पे बॉम्ब नहीं फेंकूंगा। अब देखना भाई, बोला था ना बेटे मुझसे बच के रहना भाई, तो भाई मैं माफिया आदमी, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मैंने ऋषि को छुड़ाया, इन लोग को भाई मुझे डर ही नहीं है। बाकी यार देख रहे हो केरल के घर में भी भाई सजावट नहीं हुई है, यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं और ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रखी हुई है, मतलब देख रहे हो सजावट नहीं हुई है। ठीक है, तब छोड़ो फटाफट इससे चल के बात करते हैं। हाँ भाई किरल, तुझे तो पता ही होगा कि आज 31 है और आज की रात को भाई हमारा न्यू ईयर आने वाला है, तो भाई तूने उसके लिए कुछ सोचा वोचा है कि नहीं सोचा है? हाँ भाई जैक, तूने तो सही किया, अभी तक मैंने अपने घर को डेकोरेट भी नहीं किया यार, मुझे उसे डेकोरेट करना पड़ेगा। बाकी मैंने सोचा है कि ना कि एक पार्टी रखते हैं और उसमें भाई हमारे सारे ड्यूटी पर के लोग आए तो कितना ही अच्छा रहेगा। अब करते हैं तो हम दोनों मिलकर चल पार्टी रखते हैं। भाई इन लोग को देख रहे हो, ये लोग भाई कार वार लेके आ रहे हैं। ठीक है, इन सबको छोड़ो, हम लोग भाई जो पार्टी करेंगे ना हम लोग टाउन हॉल के पास करेंगे, जहाँ पे हमारा टाउन हॉल है ना वहाँ पे हम लोग का पार्टी करने वाले हैं। तो ठीक है, तो फटाफट से जा, मैं तुझे अभी शाम को फोन करता हूँ। गाइस अभी तो मैंने केरल से बात कर ली है और भाई ये कह रहा है कि भाई जो हमारी होगी वो ये भी हैंडल करवाने वाला है और मैं भी हैंडल करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब फटाफट अपने घर चलते हैं। उसने कहा कि भाई वो भी अभी अपना जो घर है उसे डेकोरेट वेकोरेट करेगा, तो फिर तब तक हम लोग भी अपना जो घर है उसे डेकोरेट करके एकदम सजा लेते हैं। और भाई उसने ये भी कहा है ना कि जो पार्टी होगी वो होने वाली हमारे, अबे भाई ये क्या कर दिया मैंने, भाई बातों बातों में मैंने फ्लोर गैंग के एक बंदे को मार दिया। ठीक है, इससे मैं पुलिस से पैसा छुड़ा लूंगा, एक ही तो भाई बंदा है, इन लोग के भाई बहुत बंदे हैं। हाँ तो मैं कह रहा था ना कि जो ये हमारी पार्टी होने वाली है वो टाउन हॉल के पास होने वाली है, जहाँ पे जो दो लोग डांस करते हैं वो वहाँ पे। भाई अभी तो मुझे बहुत सारे लोग को इन्वाइट भी करना है। ठीक है, पहले मैं अपने घर को पूरा डेकोरेट कर लूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा भाई सबको इन्वाइट करने। तो ठीक है, चलो फटाफट अपने घर चलते हैं और अपने घर को पूरा का पूरा डेकोरेट करते हैं। और शायद से भाई अभी यहाँ पे स्नोफॉल भी होने वाली, क्योंकि देख रहे हो हमारा जो मौसम यहाँ पे वो बिगाड़ रहा है। सबको छोड़ो फटाफट अपने डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। One hour later. तो ओके गाइज, अभी तो मैंने अपने घर को पूरा का पूरा डेकोरेट कर दिया है और अब मैं 3, 2, 1 करने वाला हूँ और तुम लोग को ये अपना जो घर है उसे दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 चेक दिस आउट कि भाई हमारा घर कितना मस्त हो चुका है। भाई मैंने इसको इतना डेकोरेट किया है यहाँ पे, भाई मैंने ट्रीज व्रीज लगाए हैं और भाई अब हमारा घर कितना मस्त हो गया। यहाँ पे ये पाइप वाइप्स लगाए हैं जो कि हमेशा क्रिसमस में होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिफ्ट विफ्ट भी पड़ा है। बाकी अंदर चल के देखते हैं, हमारा जो घर है भाई वो भी बदल गया, देख रहे हो भाई पूरा पुराना वाला घर हो गया, लेकिन चलो ठीक है ये वाला घर भाई बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने भाई अंदर भी ट्री लगाया है और पूरा मैंने इसे डेकोरेट किया है। जो कार है ना भाई वो पुराने वाली मॉडल की सिबॉर्गनी हो गई, अगर तुम लोग को लग रहा है लंबॉर्गनी है तो भाई वो नहीं है। तो मैं चाहे मैं ड्यूबर में दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है सिबॉर्गनी,
ये वही वाली कार है। तो ठीक है, हमारी जो कार है वो भी पुरानी उड़ानी हो गई है, क्योंकि भाई हमारा जो ये करेल है ना, उसने हमारे गेम का वर्जन चेंज करके 0.9 का कर दिया, इसलिए भाई सब कुछ चेंज हो गया है। बाकी ठीक है, अब चलो करेल के घर पर चल के देखते हैं कि भाई उसके यहाँ पे कैसा हो रहा है। बाकी तुम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि भाई हर जगह आइस ही आइस है। मैंने तुम लोग से कहा ही था कि भाई हमारा जो मौसम यहाँ पे बिगड़ता रहता है, इसलिए भाई यहाँ पे आइस ही आइस पड़ी हुई है। बाकी ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ करेल दोस्त के घर। फटाफट अब चलो गाड़ी से उतरते हैं और भाई का घर देखते हैं। अबे भाई साहब कितना बड़ा ट्री इसने लगवा लिया है। वाह भाई साहब, इसमें भाई तो लगता है आज की पार्टी में मज़ा ही आ जाएगा। बाकी इसने ऐसे अंदर कुछ नहीं करवाया है, ये देखो अंदर इसने कुछ नहीं करवाया है। भाई अंदर बाहर ही तो रहता है, इसलिए इसने अंदर कुछ नहीं करवाया। बाकी तुम लोग देख रहे हो भाई कितना मस्त है, और भाई हर जगह देख लो भाई डेकोरेशन ही डेकोरेशन हो गई है। तो ठीक है, अब चलो फटाफट से बात करते हैं। इसने कहा था भाई शाम को मिलने को, तो हम शाम को मिलने आ गए हैं। भाई किरल तूने इतना बड़ा पेड़ वेड़ लगवा दिया, लगता है भाई तेरे पास बहुत ज़्यादा ही पैसा आ गया। ठीक है, मैंने भी अपना घर पूरा डेकोरेट कर दिया है, और अब मैं भाई जा रहा हूँ सबको इनवाइट करने। मैं टोटल भाई 10-12 लोग को इनवाइट कर लूँगा, सब पूरे सिटी को इनवाइट थोड़ी कर सकते हैं। अपने जो भी दोस्त हैं ना, उन्हें इनवाइट करके मैं वहाँ पे बुला लूँगा, उसके बाद हम सब मिल के वहाँ पे डांस वांस करेंगे। ठीक है भाई, तू जा फटाफट इनवाइट कर, तब तक मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। ओके, अब चलो फटाफट से अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको इनवाइट करते हैं। अगर भाई तो कोई भी ड्यूरपुर की पार्टी में आना चाहता है ना, तो भाई वो आ सकता है। टाउन हॉल के पास भाई वो पार्टी होने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको बता दिया, अब चलो थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं। भाई अब मैं जा रहा हूँ फ्लोर गैंग के पास, क्योंकि फ्लोर गैंग भी तो भाई अपने घर के पास ही रहती है, और उसको इनवाइट नहीं करेंगे तो भाई वो लोग बुरा मान जाएंगे। देख रहे हो भाई, ये अपने में ही भाई मस्त है। ठीक है, इनसे भी चलो फटाफट से बात कर लेते हैं कि भाई उन लोग को पार्टी में आना। भाई तुम लोग को पार्टी में आना, इसलिए भाई तुम लोग भूलना मत कि मैं फ्लोर गैंग के पास भी आ गया हूँ, जिनका एक बंदा भी मुझसे मर गया था। ठीक है, चलो फटाफट इन सबसे भी बात करते हैं कि भाई ये लोग आएंगे कि नहीं। भाई तुम लोग हम लोग की ड्यूटफुल वाली पार्टी में आओगी कि नहीं आओगी, जो कि भाई न्यू ईयर पार्टी है और वो आज ही है, तो इसलिए तुम लोग को भाई मैं इनवाइट कर रहा हूँ। क्या तुम तीनों आओगे? अरे जैक भाई, तुमने बुलाया तो हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग भाई पक्का आएंगे। तुम लोग भाई वहाँ पे इंतजार करना, बस बता दो भाई कितने बजे आना है। भाई तुम लोग को देखो, वहाँ पे तुम लोग को आना है 10 बजे, क्योंकि हम लोग की जो पार्टी होगी वो 1 बजे रात तक चलने वाली है, तो तुम लोग 10 बजे आ जाना। ओके भाई, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, फ्लोर गैंग को भी मैंने बता दिया, और पता नहीं अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 3 या बोलो 2:30 बज रहे हैं, और 3 भी बजने ही वाले होंगे। तो भाई अब थोड़ा पड़ते चलो चलते हैं, और दोस्तों को भी बुला लेते हैं। Much later. चलो फटाफट से अपने गाड़ी से उतरते हैं, क्योंकि मुझे यार यहाँ पे थोड़े बहुत बॉम्ब्स खरीदने हैं। तो मैं जो ये वाले म्यूजिक बॉम्ब देख रहे हैं ना, उतने में खरीद लूंगा। और भाई जब हम इसको किसी के ऊपर फेंकते हैं ना, तो भाई वो आदमी डांस करने लगता है, ये देखो। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे बॉम्ब खरीद लेते हैं, और फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा। भाई मैंने बॉम्ब क्यों कह रहा हूँ, मेरा मतलब म्यूजिक बॉम्ब खरीदने हैं। और वो देखो भाई, शाम के 4 बज गए हैं, यानी कि हमारी जो पार्टी है वो 6 आवर्स बाद स्टार्ट होने वाली है। भी लोग को मुझे इनवाइट करना है, मैं इनवाइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग से मिलता हूँ। मैं यहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना, उन्हें भी बुलाना चाहता हूँ। भाई तुम लोग को मैंने इनवाइट किया है ड्यूटपुर के पार्टी में, इसलिए भाई जरूर आ जाना। और भाई नचनिया तू तो जरूर आना, क्योंकि तेरे बिना पार्टी नहीं होगी। तो ओके गाइस, अभी तो यहाँ पे हमारे 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे देखो भाई 4-5 लोग आ भी चुके हैं, और वो देखो एक और आदमी शायद से यहीं पे आ रहा है। हाँ भाई साहब, बोल भाई। हाँ भाई, तू भी आ गया पार्टी में। भाई किसी को साथ नहीं लेके आया कि, अपने भाई बहन को लेके आ गया होता। ठीक है, सबको छोड़ो, हम लोग फटाफट से यहाँ से चलते हैं। भाई इस आदमी को देखो भाई, मैंने तो उस नचनिया को बोला था लेके आने को, ये भाई अकेला ही चला गया भाई, उसे लाया ही नहीं, और वो अलग ही पागल हो रहा भाई, इधर उधर घूम रहा। ठीक है, अब चलो फटाफट से 12 बजे का इंतजार करते हैं, उसके बाद हमारी जो पार्टी है वो शुरू होने वाली है। और भाई इन दोनों को देखो, ये अपने डांस में भी दिए हैं, और ये पागल आदमी पता नहीं यार फ़ोन में क्या घुसा हुआ है यार। ठीक है, इन सबको छोड़ो फटाफट से, अब अपने 12 बजने का इंतजार करते हैं। बाकी वो लोग यहाँ पे आए नहीं भाई, किरेल विरेल नहीं आए, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो लोगों ने भाई सोचा कि वो लोग अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, मतलब मुझे बोल के भाई ये खुद की पार्टी बना रहे हैं। ठीक है भाई, इन लोग को छोड़ो, हम लोग काम करते हैं, अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। भाई जैसे ही हमारा 12 बजेगा, मैं यहाँ पे भाई बहुत सारी बॉम्ब फेंकने वाला हूँ, मतलब कि वो ग्रीन वाले बॉम्ब नहीं फेंकने वाला हूँ जिससे एक्सप्लोशन होता है, मैं डांसिंग बॉम्ब फेंकने वाला हूँ जिससे लोग ऑल डांस करने लगेंगे, उसके बाद भाई मज़ा आ गया आ जाएगा। बाकी मुझे भाई मेरे सांता क्लॉस की गाड़ी नहीं दिख रही भाई, पता नहीं कहाँ पे चली गई है। A few inches later. ओके, 12 बजने में थी, बहुत 15 सेकेंड्स बाकी हैं, और भाई बस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Happy New Year! Yes! ओके गाइस, हमारा न्यू ईयर आ चुका है, इसी बात जाओ फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर दो यार।
भाई साहब इन लोग को देख रहे हो भाई डांस करते करते भाग जा रहे हैं। आओ भाई जितने लोग हो आओ सब मिलके डांस करते हैं। ओके भाई साहब हमारे न्यू ईयर आ चुका है, बाकी ये देख रहे हो भाई ये लोग भागना शुरू कर दिया है और हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो कि यहाँ पे डांस कर रहे हैं। भाई साहब आओ भाई साहब, भाई मजा ही आ जा रहा है यार। इसी बात पे जाओ वीडियो को लाइक कर दो, बाकी मैं आप बहुत सारे लोग को जाके ऐसे ही खेलने वाला हूँ और बहुत सारे मजे करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे खाएंगे। और ठीक है एक बार वापस है एडवांस में तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर।